हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें मनी टेक फॉर चैनल और दबाएं बेल आइकन, जिससे कि मेरी सभी नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मणिकांत और मनी टेक फॉर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जियो के कीपैड स्मार्टफोन को हम कैसे प्लेस करते हैं। तो दोस्तों, ये जो फ़ोन है मेरे पास, जियो का लाइफ F81E है, यानी F81E। तो दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम है, ये जियो लोगो पर रुका हुआ है। तो आज मैं इस समस्या को दूर करके बताऊंगा कैसे दूर करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहीं रुका हुआ है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों, यदि आपके फ़ोन में भी ये दिक्कत आ रही है, वीडियो को देखते रहें। तो दोस्तों, इस फ़ोन को फ्लैश करने के लिए सबसे पहले हमको एक फ्लैश फाइल की आवश्यकता होगी, जो कि हम गूगल से उतार लेंगे। और इसका लिंक मैं आपके अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से आप लोड कर लें। तो दोस्तों, ये जो है जियो फोन की फ्लैश फाइल है F81E। तो इसको सबसे पहले हम लोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल, ठीक है। इसको ओके दे देंगे, ये एक्सट्रैक्ट हो रही है, इसको एक्सट्रैक्ट होने देना। ये फाइल हमारी एक्सट्रैक्ट होने वाली है। दोस्तों, ये जो फाइल हमारी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, ये फोल्डर है, इसको हमको ओपन करना है। ओपन, ओपन, इसी में सारे ड्राइवर वगैरह दे रखे हैं, आप इनको इंस्टॉल कर लें। ये फ्लैश फाइल है। ड्राइवर इंस्टॉल कर ले रहा हूँ, मेरा 32 बिट है तो 32 बिट में कर ले रहा हूँ। आपका 64 हो 64 में कर लें, जो भी हो, जिन विंडोज जिस बिट में हो उस पर ड्राइवर इंस्टॉल कर लें। ड्राइवर थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई नहीं, इसको हो जाने दीजिएगा। वैसे मेरे में इंस्टॉल है, इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको कर लीजिएगा इंस्टॉल। तो दोस्तों, उसके बाद हम क्या करना है, ये हमारी सारी फाइल है, इसको खोलना है। इसी के अंदर टूल दे रखा है, ये बिन, बिन को ओपन करना है। इसके अंदर टूल्स दे रखा है, फ्लैशिंग टूल्स, आपको कुछ नहीं करना है, फ्लैश टूल ओपन करना है। ये फ्लैश टूल हमारा ओपन हो गया, यहाँ से फ्लैश फाइल को सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ भी आपका फ्लैश फाइल हो। मेरा डेस्कटॉप पे है, जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया था वही फाइल लेना है, ठीक है। ये हमारा फ्लैश फाइल हमारी कितनी है, ये हमारी फ्लैश फाइल है, इसको कर लेना है, ठीक है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते रहें, और यदि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे
बस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और घंटी बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मेरी नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं इसी तरह की नई नई वीडियो बनाता रहता हूँ। उससे क्या होगा, जो भी मैं नई वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन यानी घंटी आपके फ़ोन पर बज जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कोई नई वीडियो अपलोड की है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो है फाइल हमारी अपलोड हो गई है, उसके बाद क्या करना है, हमको बैटरी इंसर्ट करना है 2+5। इसको पीसी से बूट करने के लिए दोनों की को टैप करना है, पहले इसको हमको स्टार्ट कर देना है, ऐप को स्टार्ट हो गया, दोनों की को टैप करना है 2+5 और डाटा केबल को लगा देना है। तो दोस्तों ये फेड हो गया, दोबारा कनेक्ट करता हूँ मैं, इंसर्ट करना है 2+5 को एक साथ प्रेस करना है, दोनों की को कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों आपने देखा ये जो है हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई, की को छोड़ देना है, प्रेसिंग हमारी होने लगी। ध्यान रहे केबल को ना हिलने दें, दोस्तों अभी तक मेरा आप यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपके और दोस्तों को भी काम आए। की को छोड़ देना है, दोस्तों आप देख रहे हैं ये फ्लैशिंग चल रही है, प्रोसेसिंग। दोस्तों ये थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई नहीं, चल रही है। थोड़ा और टाइम लेगा, तो दोस्तों आपने देखा फ्लैशिंग हमारी फिनिश हो चुकी है यानी पास। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको केबल को निकाल देते हैं, फोन को देखते हैं ये चालू हुआ है या नहीं, यानी जो समस्या थी वो दूर हुई या नहीं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये फोन ऑन होने लगा है हमारा, ये थोड़ा टाइम लेगा, 2 से 3 मिनट के आसपास। तो दोस्तों ये हमारा फोन कम्प्लीटली फ्लैश हो चुका है,
अभी हमको बोल रहा है लैंग्वेज कौन सा सेलेक्ट करना है, मैं इंग्लिश कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर देता हूँ और ये फ़ोन हमारा एकदम ओके है। ठीक है दोस्तों।